दोस्तों वोडाफोन आइडिया यानी वी की सिम है आपके पास और वह सिम हो गई है बंद। बाय द वे सिम कहीं खो जाती है तब बंद हो जाती है, या रिचार्ज नहीं हम करते हैं कुछ लॉन्ग टाइम तक तब सिम बंद हो जाती है, या तो फिर जो मेटल लगा होता है सिम पर वह यदि मतलब उसमें स्क्रेच वगैरह आ जाता है तो वह सिम पकड़ती नहीं है तब बंद हो जाती है। इन केस में सिम वगैरह बंद हो जाती है तो बंद सिम को हम कैसे एक्टिवेट करवाएं, कैसे चालू करवाएं, यही कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपये का खर्च आएगा, कहाँ पर जाना होगा, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लाइव स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की जो आपकी सिम बंद हुई है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यह पता करना होगा कि किनके नाम से सिम थी या है। और यदि आप यह नहीं पता कर पाते हैं तभी आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह पता करना है कि किनके नाम से सिम है। जिनके नाम से सिम होगा उनका आधार कार्ड लगेगा और उनको स्वयं भी रहना पड़ेगा क्योंकि बायोमेट्रिक थंब लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी वोडाफोन आइडिया का स्टोर है तो वहाँ पर चले जाइए। नहीं वोडाफोन आइडिया का स्टोर है तो जो रिटेलर नहीं होते हैं, जो VI की सिम देते हैं या फिर VI की सिम वगैरह पोर्ट करवा के उसमें जाते हैं, मतलब जो पोर्ट वगैरह करते हैं एजेंट जो लोग होते हैं उनके पास आपको जाना है। अपना मोबाइल नंबर आप उनसे शेयर करिएगा, बताइएगा, जैसे वो नंबर डालेंगे पता चल जाएगा कि किनके नाम से सिम है। वहाँ पे तो कंफर्म हो जाएगा ना कि किनके नाम से सिम है, तुरंत बता देंगे। उसके बाद उनका आधार कार्ड चाहिए जिनके नाम से सिम है, उनको स्वयं भी रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका थंब लगेगा, फोटो वगैरह होगा, उसके बाद सिम को एक्टिवेट किया जाएगा, चालू किया जाएगा। आपको बता दें खर्च कितना आएगा, तो खर्च दोस्तों 250 रुपये का तो रिचार्ज तुरंत उसमें करना पड़ेगा क्योंकि सिम को रिचार्ज करेंगे तभी चालू होगा, वो लोग खुद करते हैं, रिटेलर लोग करते हैं 250 रुपये के आसपास का। बकिया 50 रुपये वो सिम को चालू करवाई ले लेते हैं, कहीं कहीं लेते हैं कहीं कहीं नहीं लेते हैं, तो 300 के आसपास खर्च आएगा आपको सिम को एक्टिवेट करवाई या चालू करने के लिए, ठीक है। इतना रुपये का खर्च आता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आपकी सिम बंद हो जाए ना तो 180 दिन के भीतर यानी 6 महीने के भीतर अपने सिम को चालू करवाने का प्रयास करिएगा क्योंकि इससे लंबा टाइम हो जाएगा तो वह सिम कहीं और किसी और के नाम से चालू कर दी जाएगी वह नंबर। तो जरूर 6 महीने से पहले करवाइए ताकि आपका सिम आपका नंबर आपको मिल सके, नहीं तो किसी और के नाम से चालू हो जाता है 6 महीने के बाद। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा और आप अपना सिम जाके एक्टिवेट करवाइए, चालू करवाइए और उसके बाद अपना इंजॉय करिए। मैंने कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट जानकारी आपको दिया हूं। वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।